तो दोस्तों कुछ कुछ होता है ये फिल्म काजोल की जिंदगी की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को यंगस्टर ने बहुत पसंद किया और आज भी इस फिल्म को पसंद किया जाता है। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि खुद काजोल भी इस फिल्म की एंडिंग से सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि काजोल को खुद इस फिल्म की एंडिंग पसंद नहीं आई। अगर काजोल की बस चलता तो इस फिल्म की एंडिंग कुछ और होता, और ये बात खुद काजोल ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया है। काजोल ने बताया कि कुछ कुछ होता है फिल्म के कुछ सीन से वो बिल्कुल एग्री नहीं है। काजोल का कहना है कि अगर उनके हाथ में होता तो अंजलि का जो किरदार है काजोल का, कि वो बिल्कुल भी पैंट शर्ट टी शर्ट छोड़कर वो साड़ी में नहीं आती। जैसे कि हम सभी ने देखा है फिल्म कुछ कुछ होता है में जब काजोल और शाहरुख खान अलग हो जाते हैं, उसके बाद काजोल यानी अंजलि की जिंदगी में एक नया बदलाव आ जाता है, जहां पर अंजलि जो है वो साड़ी पहनती है और एक घरेलू टाइप की एक महिला बन जाती है जो कि काजोल को बिल्कुल पसंद नहीं है। काजोल ने कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो वो शादी के बाद भी पहले जैसी अंजलि बनी रहती। उसके बाद इंटरव्यू के दौरान काजोल से एक सवाल पूछा गया, अगर स्क्रिप्ट लेवल पर आपका डिसीजन आपके हाथ में होता तो फिल्म की एंडिंग कैसा होता, जैसे कि अंजलि को किसके साथ जाना चाहिए था, राहुल के साथ या अमन के साथ। तब काजोल ने कहा कि अगर स्क्रिप्ट लेवल पर मेरी डिसीजन मेरे हाथ में होता तो मैं अंजलि को अमन के साथ ही जाने देती, मैं अंजलि को राहुल के साथ बिल्कुल नहीं जाने देती। यानी कि काजोल का कहना है कि अगर काजोल के हाथ में फैसला होता तो काजोल जो है वो सलमान खान के साथ जाती बजाय शाहरुख खान के साथ जाने के। कुछ इसी तरीके से काजोल ने अपनी व्यूज शेयर किया है। अगर बात करें कुछ कुछ होता है फिल्म की तो वो करण जौहर की पहली फिल्म है ऐसा बताया जाता है, और फिल्म जो है वो एकदम सुपर डुपर हिट साबित हुई।